अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शाहिद अहमद है और आप चैनल देख रहे हैं हॉर्टिकल्चर इन होम। व्यूअर्स, मैंने 10 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी मोतिया की, ये अरविंद जैस्मिन की। तो माशाल्लाह से वो वीडियो काफ़ी चली है और आप लोगों ने बहुत लाइक किया है, सब्सक्राइब भी किया है और कमेंट्स भी लिखे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स लिखे, तो आज मैं उनका जवाब भी देने रहा और आपकी सजेशन भी चाहिए। इसके अलावा जो आपने कमेंट्स लिखे हैं उनका मैं जवाब दूंगा आज। कुछ लोगों ने कहा है कि हमने कटिंग लगाई है लेकिन हुई नहीं है। तो कुछ लोगों के इलाके ऐसे हैं जो मतलब ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे जासमीन की आप कटिंग लगाते हैं तो कटिंग नहीं हो पाती। तो उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हमने कटिंग लगाई है तो वो हुई नहीं। आपने इसकी नॉर्मल टिप्स जो यहाँ से ली जाती है, इस जगह से आप टिप्स लेते हैं इसको, तो उसको यहाँ से हम इसको बिल्कुल कॉर्नर से काट लेते हैं। बिल्कुल काटने के बाद ये टिप्स ऐसे लगाते हैं इस जगह पर। यहाँ पे इस जगह से आप पूरा इसको मिट्टी में डाल देंगे। जब मिट्टी में लगा देंगे तो ये जो दो इसकी आँखें हैं, जो इसकी टिप्स है, जो ऊपर वाली टिप्स है और नीचे जो आँखें हैं, ये आपने मिट्टी में डाल रहे हैं, सादा मिट्टी में या कोकोपीट में डालना है, ताकि ये इसको इसकी जड़ बन जाए। इस जगह से और इस जगह से, ये दोनों जगहों से इसकी जड़ बनती है। हमने जो ये कटिंग लगाई थी, ये तकरीबन लगाई थी 3 महीने पहले। तो 3 महीने के बाद जब ये कटिंग हो गई थी तो हमने इसको चलने दिया ताकि ये और अच्छा ग्रो हो जाए। तो हमने जब ये तैयार किया है तो इसमें ये पौधा बेहतरीन तैयार हो गया और ये रूट्स वगैरह इसके बिल्कुल तैयार है। ये देखें आप, उसको बिल्कुल इसके रूट्स तैयार हैं, टोटल तैयार है रूट्स इसके, और हम इसको अलग कर सकते हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल तैयार पौधा है और ये अलग अलग करने के बाद जब हम अलग पॉट में लगाएंगे इसको, तो ये हमारे पास इस तरह से तैयार हो जाएगा जैसे हमने ये पौधा तैयार किया है। इसको ये पौधा तैयार किया हमने, इसके फूल भी आ रहे हैं हमारे पास, ये फूल भी हैं। ये इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने ये बताया था कि इसको हम लगा दें किस तरह से, बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो पहले बताया गया था, उसी तरीके से आपने लगाना है। और जहाँ गर्म इलाके हैं वहाँ ये जल्दी होती है, तो इसलिए आप इसको गर्मी में ज़्यादा लगाएं। कटिंग गर्म इलाकों में जल्दी होती है और अच्छी होती है और ये पौधे अच्छे बनते हैं। अच्छे बनने के बाद इसके फूल आते हैं, ये मुख्तलिफ ये हम आपको दिखाएंगे, इस तरीके से फूल आते हैं इसके। और ये फूल पौधा पूरा तैयार हो जाता है तो उसके बाद ये भर के फूल देता है, जिस तरीके से हमारे गमले में आ रहा है और आप गमले में आ रहा है बिल्कुल। ये देखें और ये देखें, ये बिल्कुल तैयार है पौधा। इसमें और भी पौधे हैं जिसमें हमने कटिंग लगाई थी। अच्छा, आप लोग कहते हैं हमने कटिंग लगाई है, कटिंग तो लगाई है आपने, आप कटिंग आपने कितनी लगाई है? कटिंग आपको कम से कम एक गमले में अगर आप लगा रहे हैं तो कम से कम आपको एक गमले में 40 से 50 टिप्स इसमें लगानी चाहिए। बाद ऐसे होता है पौधे के पास पौधे नहीं होते, उनका क्या होता है, उनकी शाखों का ये हाल हो जाता है कि वो नहीं होते, सूख जाती है सर्दी की वजह से। लोग सर्दी में लगा लेते हैं या सर्दी में आपने गर्मी में लगाई और पौधे को इसी तरह गमले में पड़े रहने दिया, तो ये सर्दियों में ऐसा हो जाता है, बास पौधे खत्म हो जाते हैं या होते ही नहीं है शुरू से। तो आप उसको कम शाखें ना लगाएं, गिनती की आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, जो होनी होगी वो हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि ज़्यादा शाखें लगाएं, जिस तरीके से हमने लगाई थी ये नहीं हुई, और इसी तरीके से ये शाख भी लगाई थी ये नहीं हुई। तो इसमें जो हुई है हमारे पास वो बिल्कुल तैयार है, ये बिल्कुल तैयार शाख है, तो ये तैयार हो जाती है। तो अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो हमें आप कमेंट्स में लिखें या हम इसको किस तरीके से आपको दिखाएं।
कि आपको अगर कोई पौधा नहीं बन रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमें कमेंट्स करें, हम आपको बताएंगे अगर आपसे कोई चीज़ नहीं तैयार होती है तो। और हम कोशिश करेंगे इससे से अच्छी वीडियो बनाने की इसके बारे में। तो इसे अभी जो हमने ये तैयार किया है, इसके बाद जो है अगर आपको कोई बात पूछनी हो तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे चैनल को ग्रो करने में आप लोगों का बहुत हाथ है। तो सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, पसंद करें, और कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछ सकते हैं। तो अगर चैनल की सपोर्ट के लिए भी सब्सक्राइब करें चैनल को, और इंशाल्लाह अभी हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम उसकी भी सेलिब्रेशन करेंगे आपके लिए, और आपको उससे अच्छी वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी हम आपकी दुआओं के दरकार हैं। देखते रहें हॉर्टिकल्चर इन होम चैनल। थैंक यू, शुक्रिया।